जी बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है और आज का दिन भी आज़ाद कश्मीर के और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए सयाह जो है आज के दिन को बिलखसूस जो कश्मीरी शहदा हैं, जो शहदा की यादगारें हैं वहाँ पर शहरी जो है वो हाज़िरी देते हैं। इस वक्त हम दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद की जो यादगार शहदा है यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मुकामी लोगों समेत सयाहों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर लोग आकर जो कश्मीरी शहदा हैं, इसी तरह से मुसल्ला अफवाज के जो शहदा हैं उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। मैं खुद कश्मीरी, आई एम प्राउड ऑफ कश्मीरी। मैंने इसको ज़्यादा तरजीह दिया है, मैंने टूर को ज़्यादा तरजीह नहीं दी, मैंने इस जगह को ज़्यादा तरजीह दिया है क्योंकि हमारा खून है, हमारा शहर है, हमारा मुल्क है। यादगार शुदा पे आए हैं, हमारे लिए बिल्कुल ख़ास हैं ये कश्मीरी, हम भी इसलिए हम यहाँ घूमने हैं। टूर के लिए आए थे इस्लामाबाद से, इसलिए टूर पर हम बाद में जाएंगे, इसलिए पहले हमने बोला यहाँ से हो जाए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ आके, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है सिर्फ हमारी इस मुल्क के लिए, ताकि हम अपने घरों में बिल्कुल आराम से रह सकें। खुशी से यहाँ तक आज़ाद घूम रहे हैं इन शहदा की वजह से। सुना इनका यही कहना है कि ये खुशियाँ जो है इन्हीं शहदा की मरहून मेहनत है, इनको खराज अकीदत खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में आज जो है शहीद अशरफ सहराई का योम शहादत भी मनाया जा रहा है और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहर हैं यहाँ पर आज के दिन जो है मुख्तलिफ रैलियों के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से शहदा को जो है वो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है।